गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के 1, 2, 3 एंड 4 सम्स किए थे, जिसमें हमें या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिए हुए होते हैं या नंबर्स दिए होते हैं, उसको नोटिस करके हमें एक डेटा एंट्री टेबल रेडी करना होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल जिसको बोलते हैं, फिर वो भी टैली मार्क्स हमने सीखे थे, ऐसे 1, 2, 3, 4 और फिर एक स्लैंटिंग लाइन करके 5, 5 के बच बनाते थे, इस तरह के दो सम्स किए थे। फिर बाकी के दो सम्स हमने पिक्टोग्राफ के किए थे, जिसमें हमें ऑलरेडी पिक्चर्स दिए हुए हैं और वो नोटिस करके हमें आंसर देना है। ओके, तो अभी हमारे 1 से 4 तक सम्स हो गए थे, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 5, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स मिडल स्कूल इज 5 में हमें दिया है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। यहाँ पर एक स्कूल में हर क्लास में गर्ल्स की स्ट्रेंथ हमें दी हुई है, फिर इसको नोटिस करके हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसको स्लीपिंग लाइन में कर दे ताकि सामने ही इसका नंबर आए करेक्टली। यहाँ पर हमें क्लासेस दिए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 एंड लास्ट में हमें दिया है 8th स्टैंडर्ड। अब ये 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर हमें पिक्चर्स दिए हैं। ओके, इस तरह के गर्ल्स के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और क्या कहा गया है कि एक पिक्चर के बराबर 4 गर्ल्स। एक ये जो गर्ल का पिक्चर है उसके बराबर 4 गर्ल्स, तो यहाँ पर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितनी गर्ल्स की, यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है, 6, 4 जा 24। ओके, क्योंकि 1 picture is equal to 4 गर्ल्स, दैट फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 गर्ल्स की फोटो है, तो 6, 4 जा 24 गर्ल्स है। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 और फिर फिफ्थ नंबर का हाफ दिया हुआ है, देखो ऐसे हाफ दिया हुआ है, वो बाद में हम लिखते हैं। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 4, 5 अब एक गर्ल इज इक्वल टू 4 गर्ल, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 गर्ल्स के पिक्चर, 5, 4 जा कितनी गर्ल्स हुई यहाँ पर 20। अब एक फोर्थ स्टैंडर्ड में 3 कंप्लीट है, 1, 2, 3 और दूसरा यहाँ हाफ है, ओके। फिर सिक्स स्टैंडर्ड में 4 कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4 फिर सेवन स्टैंडर्ड में 1, 2, 3 कंप्लीट है, 1, 2, 3 और एट स्टैंडर्ड में 1 कंप्लीट और दूसरा हाफ। इस तरह से हमको यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं। देखो पिक्चर्स हाफ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पिक्चर्स पूरे ही हो, ओके। एक्सरसाइज हमारी है ये 9.1। अब यहाँ पर जो हाफ किया है तो उसको हम 2 गिनेंगे, ओके। तो 1, 2, 3, 4 4, 4 जा 16 16 प्लस 2 18 1, 2, 3 3, 4 जा 12 12 प्लस 2 14 अब 1, 2, 3, 4 4 कंप्लीट है तो 4, 4 जा 16 1, 2, 3 तो 3, 4 जा 12 अब 1 कंप्लीट मतलब 4 और दूसरा हाफ मतलब 2 तो 4 प्लस 2 6। इस तरह से हमने गर्ल्स लिख दी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने कुछ गड़बड़ हो गई हमारी यहाँ क्लासेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक आध मिस हो गया, फिर से देख लेते हैं। चलो थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ क्योंकि ये नीचे बहुत वो हो रहा है हमें, ओके। यहाँ से मैं ले लेती हूँ क्लास नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, थोड़ा ऊपर से ले लूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब क्लास लिख दूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड स्टैंडर्ड में 4 कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट हाफ। थर्ड में 1, 2, 3, 4, 5 फोर्थ स्टैंडर्ड में 3 कंप्लीट और एक हाफ। फिफ्थ स्टैंडर्ड में 2 कंप्लीट और एक हाफ। सिक्स स्टैंडर्ड में 4 कंप्लीट, 1, 2, 3, 4 सेवन स्टैंडर्ड में 3 कंप्लीट,
1, 2, 3 और 8th स्टैंडर्ड में 1 complete and 1 half। ओके, अब हमें ऐसा कहा कि ये एक फेस जो है इसके बराबर 4 girls हैं। 1 picture is equal to 4 girls, तो उस हिसाब से हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 4 जा 24, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है 24 girls। सेकंड स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 4 कंप्लीट और एक हाफ है, तो 4 complete के लिए कितनी गर्ल्स होगी, 4 4 जा 16 और ये हाफ है तो उसके लिए 2, तो 16 plus 2 18 girls। अब थर्ड स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 4, 5 5 complete, तो 5 4 जा 20, 1, 2, 3, 3 4 जा 12, 12 plus half है मतलब 2 लेंगे, तो 12 plus 2 14। फिफ्थ स्टैंडर्ड में 1, 2 complete है तो 2 4 जा 8 और ये हाफ है तो 2 ले लेंगे, तो 8 plus 2 10 girls। नाउ सिक्स स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 तो 4 4 जा 16 girls हैं। अब सेवन स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 3 4 जा 12 girls एंड 8th स्टैंडर्ड में 1 complete मतलब 4 एंड 1 incomplete मतलब हाफ है तो 2, तो 4 plus 2 6। ओके, ये हमारा बन गया पिक्टोग्राफ। अब हम ये ग्राफ को नोटिस करके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द, मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आंसर लिख देती हूँ। नंबर 1 है, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स ग्राफ। यहाँ क्लास दी है 1 से लेकर 8 तक और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स है, इसको नोटिस करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नंबर 1, विच क्लास हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, सबसे कम गर्ल्स कौन से क्लास में है, तो 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में ओनली 6 girls है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 हैज ओनली 6 girls स्टूडेंट्स मिनिमम। अब नंबर 2, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, तो क्लास 6 में है 16, इज लेस देन द नंबर ऑफ 5th, और 5th में तो 10 है तो 9 आएगा। हमें ऐसा पूछा कि क्या 6th स्टैंडर्ड में जो गर्ल्स है वो 5th स्टैंडर्ड में जो गर्ल्स है उससे कम है, नो, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में 16 गर्ल्स है और 5th स्टैंडर्ड में 10 गर्ल्स है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। ओके, अब हम आगे के 2 क्वेश्चंस देखेंगे, 3, 4। एक ही है अभी क्वेश्चन की, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7।
क्लास सेवन में कितनी गर्ल्स हैं? तो क्लास सेवन में 12 गर्ल्स हैं, तो आंसर आएगा 12 गर्ल्स। और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं कि क्लास फर्स्ट में कितनी गर्ल्स है, क्लास सेकंड में कितनी गर्ल्स है, कौन से क्लास में दूसरे क्लास से कितनी ज़्यादा गर्ल्स है या कितनी कम गर्ल्स हैं। ओके, तो इस तरह से गिवन पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हुई, अब हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6 हम लिखेंगे अभी के द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक ओके, यहाँ पर है डेज, यहाँ पर है नंबर ऑफ बल्ब, जहाँ एक बल्ब के लिए हमें कहा है 2 बल्ब, 1 बल्ब इज इक्वल टू 2 बल्ब। ओके, अब हम डेज लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ बल्ब काउंट कर, डेज हमें मंडे से सैटरडे तक के दिए हुए हैं। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, अब एक बल्ब का मतलब है 2 बल्ब, इस तरह से हमें यहाँ पर दिया है। ओके, तो मंडे कितने बल्ब का सेल हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इसमें तो आधा नहीं आ सकता कि आधा बल्ब तो कोई नहीं ले जाएगा, जैसे इसके पहले गर्ल्स हमको आधी दी थी, तो एक के लिए 4 तो आधे के लिए 2, पर बल्ब में तो आधा नहीं आ सकता, कोई आधा बल्ब तो खरीदेगा नहीं, इसे यहाँ पर सारे पूरे बल्ब ही हो गए। तो मंडे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बल्ब, तो 6 मतलब उसके डबल 12 बल्ब। ओके, उसने 12 बल्ब का सेलिंग किया ऑन मंडे। ट्यूसडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 मतलब कितने बल्ब हुए उससे डबल 16, क्योंकि एक बल्ब के लिए 2 बल्ब माना जाता है, यहाँ 1 बल्ब का सिंबल है जो रिप्रेजेंट करना है 2 बल्ब के लिए। तो जैसे मंडे को 6 बल्ब थे तो हमें डबल कर देने हैं, जितने भी बल्ब दिए हैं उससे हम डबल कर देंगे। अब वेडनेसडे को 4 बल्ब, 1, 2, 3, 4 तो कितने बल्ब हो गए? 8। फिर थर्सडे को 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 10 बल्ब। फ्राइडे को, फ्राइडे में हम पहुंचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 14 बल्ब है, उससे डबल हम ले लेंगे। सैटरडे को 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो 4 2 8, अभी यहाँ संडे का भी दिया हुआ है।
संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे बहुत बहुत बल्ब रह गए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 मतलब कितने बल्ब परचेस हुए 18 बल्ब। ओके फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 6 इज द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। वीक के जो सैटरडे से ले सॉरी मंडे से लेकर सैटरडे तक के डेज हमें दिए हैं उतने दिनों में बल्ब की इतनी सेलिंग हुई थी। हमें पिक्टोग्राफ दिया है और एक बल्ब इज इक्वल टू दो बल्ब हमें समझना है और वो नोटिस करके हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमें लिखने हैं जो हमें नहीं दिए हैं। तो मंडे को 1 2 3 4 5 6 बल्ब मतलब 6 2 12 डबल हो गए। ट्यूसडे को 8 मतलब 16। वेडनेसडे को 4 मीन्स 8। थर्सडे को 5 मीन्स 10। फ्राइडे को 7 मीन्स 14। सैटरडे को 4 मीन्स 8 और संडे को सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है 9 9 2 18। ओके अब हमें क्या करना है, ये हमने पूरा पिक्टोग्राफ रेडी कर दिया। अब हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है हाउ मेनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे। सेकंड नंबर ऑन विच डे वेयर द Which day were the maximum number of bulbs sold? Third number, on which day is the same number of bulbs were sold? ओके अब हम पहले ये तीनों तीन पढ़ेंगे और उसके आंसर ये पिक्टोग्राफ को नोटिस करके आंसर देंगे। हाउ मेनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं 14। ओके फ्राइडे को 14 बल्ब्स। अब है ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड कौन से दिन पर हुए संडे को। देखो 18 बल्ब बाकी सब से बड़े हैं 18 तो हम यहाँ लिखेंगे संडे। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वेयर सोल्ड। तो सेम नंबर कौन सा है 8 8 तो वो कौन सा है वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे और सैटरडे को 8 8 बल्ब सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं। ओके अभी एक और है फोर्थ नंबर का लिख देते हैं हम। If one big carton can hold
ये थोड़ा मेथड वाला सम है, बड़ा सम है ये, कि इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड नाइन बल्ब तो हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो ये सारे काम टोटल करेगा. ओके, बल्ब्स है टोटल. ओके, टोटल बल्ब्स है 86. फिर से काउंट कर ले हम. थ्री वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट. और हमें कहा कि एक कार्टून में 9 बल्ब आ सकते हैं. ठीक है, तो टोटल इतने में पूरे वीक में जो हुआ है उसमें कितने बल्ब आ पाएंगे. तो हम ये सारे बल्ब का अगर टोटल कर देते हैं, ठीक है, पहले कितने बल्ब हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 16 है, फिर 4 मतलब 8 है, फिर 1 2 3 4 5 मतलब 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 है, फिर 4 मतलब 8 है, और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 18 है. तो ये सभी का हमें प्लस करना है. यहाँ टोटल 90 बल्ब आएगा. ओके, अब हम लिखेंगे कि 9 बल्ब्स इज इक्वल टू 1 कार्टून. Therefore, 90 bulbs is equal to question mark. 90 upon 9 is equal to 10. 10 cartoon. Okay? 10 cartoon चाहिए. तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ के सम सॉल्व कर सकते हैं, ये पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके. ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.